Hi guys, today I will teach you a word future indefinite tense. Future indefinite tense, इसका अफर्मेटिव देखते हैं, पहचान हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। रूल, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नोट आई वी आई वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ऑल प्रोनाउंस के साथ विल का प्रयोग करते हैं। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा जो काम होगा वो आने वाले समय में होगा। फॉर एग्जाम्पल, रानी खाना पकाएगी। रानी ने अभी खाना पकाया नहीं है, आने वाले समय में पकाएगी। तो इस टेंस को हम इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? रानी, रानी। बिल या सेल में से हमें एक लगाना, तो ऑल सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हमें बिल लगाना है, सिर्फ आई और बी के साथ हमें सेल लगाना है। तो यहाँ पर रानी आई, तो रानी के साथ हम लगाएंगे बिल। रानी बिल खाना पकाने को होती है प्रिपेयर द फूड। रानी बिल प्रिपेयर द फूड, कुक भी होती है। आप कुक यहाँ पर प्रिपेयर की जगह पर कुक भी लगा सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ हमें किसका यूज करना है? सेल का। आई सेल टीच टू यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब हम इसका निगेटिव देखते हैं। नेगेटिव टेंस, पहचान, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आता है। रूल, सब्जेक्ट प्लस विल सेल नॉट, विल नॉट या सेल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट नोट नोट इसका सेम ही रहेगा, आई बी के साथ सेल और अन सभी सब्जेक्ट के साथ विल। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वह पतंग नहीं उड़ाएगा। अभी हमारा कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस है, क्योंकि इस टेंस हिंदी के वाक्य में नहीं शब्द आया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही हो गया। विल सेल में से एक लगाना, ही आया तो हमें विल लगाना। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमें सेल जो है सिर्फ आई और बी के ही साथ यूज करना है, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमें सेल का यूज नहीं करना है। ही विल नॉट फ्लाई द काइट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हम नदी में नहीं नहाएंगे। वी वी के साथ किसे यूज करना है? शैल का। वी शैल नॉट टेक बाथ इन द रिवर। हम नदी में नहीं नहाएंगे। वी शैल नॉट टेक बाथ इन द रिवर। अब इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव टेंस पहचान हिंदी का वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है? रोल विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट इंटरोगेटिव टेंस में क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लगाते हैं। अगर हमारा हिंदी का वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तब हम वहाँ पर क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, और अगर यही क्या हिंदी वाक्य के बीच में आता है तब हम क्या की इंग्लिश को लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम एक गाना गाओगे? यहां पर देखो हिंदी का वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है, तब यहां पर हम क्या शब्द की इंग्लिश को नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हम विल या सेल में से हमें एक लगाना है, तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा यू है और यू के साथ हम लगाएंगे विल। विल यू सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो यहां पर नहीं शब्द नहीं आया तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाने की क्या होती है? सिंग अ सॉन्ग। क्वेश्चन टाइप, विल यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गाओगे?
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या वह खाना नहीं खाएगा? तो इसमें देखो यहां पर नहीं शब्द आया है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। विल ही नॉट ईट द फूड? क्वेश्चन टैग, ही विल नॉट ईट द फूड, क्या वह खाना नहीं खाएगा? जब हिंदी वाक्य में कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं, तो इन शब्दों की इंग्लिश सबसे पहले लगा देते हैं। रोल डब्ल्यू एच वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन टैग, नोटिस का सेम रहेगा, आईवी के साथ सेल लगाना है और अन सभी सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ विल लगाना है। और ये तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है कि जब हिंदी वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि शब्द आते हैं तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लगा देते हैं, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वह वहां क्यों नहीं जाएगा? तो यहां पर ये देखो क्यों शब्द आया, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगा देंगे, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड। वाई विल ही, अब यहां पर क्या सब्जेक्ट के बाद नहीं शब्द आया है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, नॉट। वाई विल ही नॉट गो टू देयर? क्वेश्चन टाइम, वह वहां क्यों नहीं जाएगा? Why will he not go to there? Next example देखते हैं। तुम कैसे मेरी किताब लोगे? तो यहां पर ये कैसे वर्ड आया है, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगा देंगे, हाउ विल यू टेक माई बुक? मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? तो इसमें क्यों आया, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगा लेंगे, वाई। अब यहां पर आई आएगी, तो आई क्या लगाएंगे, सेल आई नॉट टीच टू यू? क्वेश्चन टैग, मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, वाई सेल आई नॉट टीच टू यू? आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश अकेडमी।